हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट इन नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा पर्स। देखिए, इसे मैंने दो कलर से बनाया है। आप चाहें तो इसे कितने भी कलर से बना सकते हैं। ये पर्स देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले वाइट कलर से हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट लगाने के बाद अब हम चार चेन बनाएंगे। चार चेन बनाने के बाद पहले वाली चेन में हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चेन लेनी है और इसी रिंग में से, ये जो रिंग है इसमें से हमने 6 बार इस तरीके से क्रोशिए को निकालना है। देखिए, 2, 3, 4, 5 छः बार इस तरह करने के बाद जो सबसे पहले वाली चेन थी, हमने उसके अंदर से क्रोशिए को निकाल कर दोबारा से एक स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट ले लेने के बाद हम एक चेन लेंगे, उसके बाद हर चेन में 2 बार हमें इस स्टिच को लेना है। ये हमारा सेकंड राउंड है। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब पहली चेन में हमने क्रोशिए से एक स्लिप नॉट लगा देना है। ये देखिए, स्लिप नॉट लग गया। थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, फिर से एक चेन लेनी है, और अब हमें एक चेन में सबसे पहले एक बार इस स्टिच को लेना है, नेक्स्ट चेन में से हमने 2 बार इस स्टिच को लेना है। देखिए, हमने एक बार लिया, इससे नेक्स्ट में 2 बार, फिर एक बार, इससे नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ से भी एक स्लिप स्टिच ले लेना है, फिर से एक चेन बनानी है। देखिए, जहाँ से हमने अभी एक स्लिप स्टिच बनाया है, यहीं से क्रोशिए को डालकर हमने ये इस तरह से, देखिए, फिर से कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर चेन में 2-2 बार ये स्टिच लेना है, हर चेन में। इससे पहले वाली में हमने एक चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार लिया था स्टिच। अब इस बार, इस फोर्थ राउंड में हमें हर चेन में इस स्टिच को 2-2 बार लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने 5th राउंड पर। तो पहले इसे हम एक स्लिप स्टिच लेकर इसे जॉइंट कर देते हैं, एक चेन बनाएंगे और हर चेन में एक स्टिच को लेते हुए जाएंगे। अब हमें हर चेन में 2 स्टिच नहीं लेने, बल्कि हर एक चेन में हमें सिर्फ एक स्टिच ही लेते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 5th राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब फिर से हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, एक चेन बनानी है और हर एक चेन में हमें स्टिच को लेते हुए जाना है। यानी कि इससे पहले वाली लाइन में जो हमने
हर चेन में एक स्टिच लिया है। सिक्स लाइन को भी हमने ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करना है। तो हम अपनी इस लाइन को भी बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिक्स राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम एक स्लिप नॉट लेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब हमें एक चेन में एक स्टिच लेना है, उससे नेक्स्ट वाली में हमें दो बार स्टिच लेकर बनाना है कि एक चेन में हमें एक बार स्टिच लेना है और उससे अगली दो बार, फिर एक बार और फिर दो बार। इसी तरह करते हुए हम अपने सेवन्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमारी सेवन्थ लाइन कंप्लीट हो गई है। हम एक स्लिप स्टिच से इसे भी बंद करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी एट लाइन यानी कि हमारी लास्ट लाइन पर। अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है। यहीं से एक बार स्टिच लिया। अब हमने हर चेन में सिर्फ एक ही स्टिच करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है, यानी कि इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है हर एक चेन में सिर्फ एक ही स्टिच बनाते हुए। तो चलिए हम अपनी इस लास्ट लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी लास्ट और एट्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हर बार की तरह इस बार भी हम एक स्लिप नॉट लेंगे। और इसे बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस कलर के धागे को कट नहीं करना, लेकिन हमने इसके साथ अब दूसरे कलर को ऐड करना है। जहाँ हमने स्लिप नॉट लिया है उसी जगह से हमने येलो कलर को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से एक और वाइट कलर के साथ हमने ये स्लिप नॉट ले लिया। देखिए एक चेन ले ली। अब जहाँ से हमने इसे अटैच किया है वहाँ से हमने एक, ये देखिए, डबल क्रोशिया बनाया। देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया हमने। अभी हमने डबल क्रोशिया प्रॉपर नहीं बनाया है, ये देखिए अभी हमने इस धागे को इसके अंदर से नहीं निकाला है। हम एक बार और इसी जगह से इसे निकालेंगे और एक बार और, यानी कि तीन बार इसे हम एक ही जगह से निकालेंगे। ये देखिए इसके बाद हम इसे इस तरह से सभी लूप्स के अंदर से निकाल कर एक चेन बनाएंगे। अब जहाँ पर हमने, जिस चेन में हमने इसे बनाया है, इसी चेन में हम तीन बार और बनाएंगे। ये देखिए दो बार और तीन बार। ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब सभी लूप में से इसे निकाल कर हमने क्या करना है, देखिए अब हमें कोई चेन नहीं बनानी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए जिस चेन में से हमने इसे बनाया है, इसके बाद की दो चेन को छोड़ के तीसरी चेन में हमें दोबारा से इस तरह से ही बनाना है। ये देखिए ये एक चेन और ये दो चेन, यानी इसे अब हमें तीसरी चेन में इस तरह से बनाना है। अब हमने कोई चेन नहीं लेनी। तो ये है हमारी थर्ड चेन। ये देखिए एक बार, दो बार, तीन बार एक ही चेन के अंदर से हमने इसे निकाला। अब सभी लूप में से हमने इस स्टिच को ले लिया। अब एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में से फिर से ऐसे ही हम तीन बार लेकर इसे बनाएंगे। ये देखिए ये बन गया। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी। अब फिर से हम चेन को काउंट करते हुए थर्ड चेन में फिर से हम इसी डिज़ाइन को दोहराएंगे। ये देखिए तीन बार लेकर हमने सारे लूप में से एक ही बार में इसे निकाल दिया। अब हम एक चेन बनाएंगे। पहली बार में हमें एक चेन लेनी है लेकिन दूसरी बार में हमें नहीं लेनी। ये देखिए ये एक, ये दो और ये तीन।
अब हमें कोई चेन नहीं लेनी। देखिए हमें अब फिर से इसे तीसरी चेन में इस डिज़ाइन को दोबारा से बनाना है। हर तीसरी चेन में यानी कि हर डिज़ाइन के बाद दो चेन का गैप आना चाहिए और तीसरी चेन में हमें फिर से यही डिज़ाइन को दोहराते हुए जाना है। तो यही करते हुए हम अपने इस राउंड को पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब ये जो आप ये जो चेन्स देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाली चेन के साथ हम एक बार एक स्लिप नॉट से इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए स्लिप नॉट लगा ली। अब ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये देखिए ये एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के सेंटर से हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। अब हम देखिए वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम वाइट कलर लेंगे। देखिए एक चेन बनाएंगे और इस डिज़ाइन के सेंटर से हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये देखिए दो बार तीन बार लेकर ये देखिए ऐसे करा एक चेन। फिर से हमें इसी को ही तीन बार रिपीट करना है। ये देखिए अब भी हमें कोई चेन नहीं बनानी। अब हमें ये देखिए ऐसे ही बनाते हुए जाना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए इधर हमें डिज़ाइन नहीं डालना, इधर दो डिज़ाइन के बीच में हमें डिज़ाइन नहीं डालना, बल्कि ये जो एक डिज़ाइन है इसके सेंटर में हमने डिज़ाइन डालते हुए इस दूसरे राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें भी हम एक पहले स्लिप स्टिच ले लेंगे, उसके बाद एक बार हम इस डिज़ाइन के बीच में से इसे निकाल लेंगे। देखिए अब हम फिर से येलो कलर पर आ जाते हैं। फिर से हम येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर से हम इस डिज़ाइन को फिर से बनाएंगे। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने फ़िलहाल 10 या 12 लाइन बनाकर पहले हमने कंप्लीट करनी है। देखिए जैसे ये मैं तीसरी लाइन पर हूँ, हम ये जो सर्कल है हम इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन डाला है देखिए येलो वाइट और येलो, तो मैं तीसरी लाइन पर हूँ तो सबसे पहले हम 10 या 12 लाइन टोटल बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक वाइट एक येलो, एक वाइट एक येलो, इस तरह से बनाते हुए पहले 10 से 12 लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं हमें इसे आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो देखिए मैंने इसकी 13 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये येलो पर ख़त्म हुआ है। अब येलो कलर को हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से वाइट कलर लेना है। देखिए डिज़ाइन के सेंटर से ही हमने वाइट कलर को निकालना है। एक चेन बनानी है। अब देखिए हर चेन में
हमने क्रोशिए को इस तरह से निकाल के इस स्टिच को लेना है। बहुत ही इजी है, ये देखिए। देखिए हर चेन से लेते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये राउंड बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सबसे पहले वाले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस स्टिच से हमें स्लिप स्टिच ले लेंगे। एक चेन बनाएंगे, दोबारा से हमने हर चेन में ऐसे ही करना है। अब हमने इसके बाद चार राउंड ऐसे और बनाकर कंप्लीट करने हैं, यानी कि टोटल पांच। एक हम बना चुके हैं, इसके ऊपर सेम ऐसे ही चार राउंड हमने और बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए पहले इन राउंड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये पांच राउंड बनाकर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, ये देखिए इस तरह। अब हमने क्या करना है, देखिए एक चेन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 16 चेन में इसी स्टिच को बनाएंगे। तो ये हमारा एक स्टिच हो गया, दो, तीन, चार, ये देखिए ये हमने 16 बार स्टिच को बनाया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। फिर से यही स्टिच दोहराते हुए हम एंड तक जाएंगे, यानी कि 16 स्टिच पूरे करेंगे। देखिए 16 स्टिच पूरे करने के बाद फिर से एक चेन करेंगे, फिर से इसे पलट देंगे। तीसरी लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तीन लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे, इसे पलट देंगे। अब तीन लाइन हम इसी तरह से और करेंगे। तो चलिए पहले हम तीन लाइन और इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए छह लाइन मैंने इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम एक चेन लेंगे और एक लाइन और बनाएंगे, यानी कि 7 लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो चलिए ये 7वीं लाइन पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए हम 6 स्टिच बनाएंगे पहले। छह स्टिच बनाने के बाद हम चार चेन लेंगे। देखिए चार चेन ले ली। अब बीच में से चार स्टिच को हम छोड़ के पांचवें स्टिच में हम फिर से क्रोशिए को डाल के स्टिच को लेंगे। बाकी अब हम सारे यहाँ के स्टिच वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमारा बटन होल अब बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक चेन बनानी है और इस बटन होल को फिनिश देने के लिए हमने एक लाइन और इसी स्टिच की बनाकर कंप्लीट करनी है।
ये देखिए यहाँ पर हमने ये बटन होल डाला है, तो यहाँ पर हम चार स्टिच ही लेंगे क्योंकि हमने नीचे भी बटन होल के लिए चार स्टिच ही स्किप किए थे। ये देखिए अब हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम धागे को कट कर देंगे। यहीं से ही हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए धागे को हमने कट कर दिया है। अब हम इस धागे को सुई में डालेंगे ताकि हम इसे पक्का कर लें। ये देखिए बैक साइड से ले जाकर हम इसे पहले पक्का कर लेंगे। देखिए ये हो गया। तो देखिए इस तरह से बनकर आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए जहाँ से हमने इस थ्रेड को कट किया था, देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से हमने थ्रेड को कट किया था, यहीं से हम येलो कलर अब अटैच करेंगे। इसी कॉर्नर से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने क्रोशिए से इसे पक्का कर लिया। तो देखिए अब हमने इसे किस तरह से करना है, ये देखिए एक चेन ली, इसमें हमें एक चेन लेनी है। ये देखिए एक चेन ली और इसे हल्की सी दूरी पे अटैच कर दिया। देखिए फिर से एक चेन ली, बिल्कुल साथ नहीं, एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच पे हमें इस येलो कलर से स्टिच को लेना है। देखिए एक चेन ली, इस स्टिच को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्टिच पे हमें इसे लेना है। फिर से एक चेन, देखिए ये स्टिच छोड़ के ये कॉर्नर से, ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। फिर से एक स्टिच छोड़ा नेक्स्ट वाली चेन में, फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में। देखिए इसी तरह से करते हुए हमें इस वाइट बॉर्डर के ऊपर येलो को यहाँ तक लेकर आना है। तो चलिए पहले इस येलो कलर से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब हम येलो कलर को यहीं से कट कर देंगे। देखिए येलो कलर कट कर दिया है। अब इस धागे को हम सुई में डालेंगे और इस येलो कलर को यहाँ से कॉर्नर से इसे भी हम पक्का करेंगे। अब हम यहाँ पर एक बटन टक करेंगे। तो चलिए पहले हम बटन को टक कर लेते हैं। तो देखिए बटन लगा लिया है हमने। अब हम इसे बंद कर देते हैं बटन को। हमारा एक खूबसूरत सा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।